उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। उसने हमारी सारी बातें तो नहीं सुनी। मैं मजाक कर रहा था। तनु ने मुझे कोई प्रपोज ऑफर नहीं किया, लेकिन उसने उस बात को सच समझ के अगर सबको बता दिया तो ओह डैम, वी आर इन अ फिक्स। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मजाक कर रहा था मैं तुम्हारे साथ। पहले भी मैं बहुत बार मजाक कर चुका हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन भी आने वाली। बोलो, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? बार बार बटन पे चलोगी? भूल गया था मैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि प्लीज यहाँ ऐसा मजाक मत किया कीजिए, कुछ ऐसा मत कहा कीजिए जिससे मेरे घर में कोई भी अपसेट हो जाए। आपको मजा आता है क्या बार बार ऐसे करने में? आप क्यों करते हैं ये सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किससे क्या। Okay, fine, I'm sorry, मुझे गलती हो गई। आप क्या मार डालोगी? मुझे लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं है, जाके उसे रोको, क्योंकि अगर उसने बात जाकर तुम्हारे परिवार को बता दिया ना तो हम नहीं तुम किसी को लेक्चर देने लायक नहीं रहोगे। हाँ जाती। God, why am I such a problem child, man? ये क्या लाइफ हो गई है मेरी? इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं बची। ना किसी को अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ, ना अपनी कोई फीलिंग शेयर कर सकता हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि सबको छोड़कर के पर्वत पर अपने नहीं, कंट्रोल अभी कंट्रोल। अब ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर ये बात दादी तक पहुंच गई तो पता नहीं क्या होगा। नो, नाउ आई कांट टेल एनीवन। बुलबुल, बुलबुल, मैं जानती हूँ तू क्या सोच रही है, लेकिन तू तो जानती है ना, इनकी आदत है ऐसे मजाक करने की, मुझे भला बुरा बोलने की, ताकि मुझे बुरा लगे। लेकिन अब ना मुझे भी आदत पड़ चुकी है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बुरा लगता है दी, जिस तरह से जीजू ने वो बात कही मुझे लगता है वो सच है, लेकिन तू ये सच देखना ही नहीं चाहती क्योंकि तेरे आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी हुई है, जैसे सुरेश के टाइम बंधी हुई थी। जैसे तू ये जान नहीं पाई कि सुरेश तुझे नहीं बल्कि मुझे चाहता है, उसी तरह तू ये नहीं देखना चाहती है कि जीजू तुझे नहीं बल्कि तनु को चाहते हैं। देख बुलबुल, तू देखना, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझसे सुनने में गलती हुई हो सकता है मैंने ही कुछ दी। मैं तुझे गलत साबित नहीं करना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुझे दोबारा से वो तकलीफ ना हो। प्लीज मेरी बात मान ले, मुझे लगता है जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सच है। देख बुलबुल, मैं सच से मुंह नहीं फेर रही, ना ही किसी से सच छुपा रही। मैं जानती हूँ, हम दोनों जानते हैं कि इन्होंने शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की थी, और मैं भी तो यही सोचती थी ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है। लेकिन बुलबुल, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इनसे प्यार हो जाएगा और मेरी इनको लेकर सोच ही बदल जाएगी। बुलबुल, मैं मानती हूँ कि मुझसे सुरेश से प्यार करने की गलती हुई, लेकिन वो प्यार था ही नहीं। एक बहुत अच्छी, एक बहुत गहरी दोस्ती थी जिसे प्यार समझने की गलती मैंने की। बुलबुल, लेकिन इनके साथ सब कुछ अलग है। फिर मैं इनके लिए जो महसूस करती हूँ ना, मैं किसी के लिए महसूस नहीं किया। हो सकता है इनसे प्यार करना मेरी गलती है, लेकिन यह गलती मैंने जानबूझ के सोच समझ कर नहीं की, बस हो गई मुझसे। फिर मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने मुझसे शादी अपने अपनी बहन के प्यार में अंधे होकर मजबूरी में की, वरना ये वाकई बहुत अच्छे इंसान है। वो जानबूझ के कभी किसी इंसान का गलत। I really don't believe this। तू जीजू के सारी गलत बातों को सही क्यों ठहरा रही है? जिस बदले के लिए उन्होंने तुझसे शादी की थी, वो वजह को जायज क्यों ठहरा रही है? क्योंकि मुझे उनसे प्यार हो गया है बुलबुल। बुलबुल, प्यार में किसी की गलती नजर ही नहीं आती। जिससे आप प्यार करते हैं उसकी अच्छाइयों के पीछे उनकी बुराइयां छुप जाती। मैं तो इनकी बीवी हूँ, इसलिए मैं इन्हें समझती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब कुछ एक तरफा है। वो कभी नहीं समझेंगे मुझे, कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, और उनकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है मेरी तरफ, लेकिन मेरी है। और अगर ये गलती है ना, तो गलती ही सही, मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ।
मैं अब तक उम्मीद के सहारे अंधेरे में जी रही थी, लेकिन अब अंधेरा छट गया है और सब कुछ साफ नजर आ रहा है। सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। इनकम्प्लीट विदाउट यू अभी, प्लीज मुझसे शादी कर लो अभी। मुझे नहीं बनना सुपर मॉडल, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। जिस बदले के लिए उन्होंने तुझसे शादी की थी, वो वजह को जायज क्यों ठहरा रही है? जब से आपको देखा ना, तब से लगता है कि दुनिया वालों को सीना ठोक के बोलूं कि मेरा भी एक बेटा है। कितनी टेंशन में क्यों लग रहे? आज जो कुछ भी इन्होंने कहा वो वाकई मजाक था या फिर सच में? राज, इसी तरह आप मेरा ख्याल रखते रहे ना, तो फिर तो मुझे झोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। झोल? कैसा झोल? झोल कहाँ? झोल नहीं, झोला। झोला? झोल बोला? नहीं राज, मैंने झोला बोला। राज, अब तुम इतने से पैसे देते हो मुझे मार्केट जाने के लिए, मुझे ना ऐसा झोला लेकर घूमना पड़ता है, कहाँ सस्ता सामान मिले और मैं वो ले लूँ। अकेले ऐसे भटकूंगी, तुम दिला दिया करोगे तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। झोला वो देखो कितना अच्छा झोला है वहाँ पर, मुझे एक दिलवा दो ना। तीन झोले पहले से घर में पड़े हुए हैं, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करने? मत दिलवाओ। ठीक है जो लेना है ले लो, मुंह मत बनाओ। सच्ची? हाँ। चलो चलो चलो। तो मिस्टर, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या मुझे गिरफ्तार? लेकिन क्यों? एक मैरिज हॉल की लिस्ट को कैंसिल करने के लिए आपने रिश्वत ली है। और पूछते हो क्यों? रिश्वत लेना और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करना दोनों भी कानूनन जुर्म है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने आज तक कोई भी इलीगल काम नहीं किया, नहीं किसी से रिश्वत ली है। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है और सबूत भी, इसलिए बेहतर होगा कि हमारे साथ चुपचाप चलिए, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मैंने आज तक कोई भी गलत काम, मिताली तुम बताओ ना, मैंने कुछ किया? मैं ऐसा इंसान? मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ना बहुत ही ईमानदार है। अरे वो तो आपकी तनख्वाह लेने से भी डरते हैं और आप उन पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने रिश्वत ली इन्हें अरेस्ट करने के लिए। आपको जो भी कहना है कोर्ट में कहिएगा। मिस्टर, समझाइए अपनी बीवी को, वरना आपके साथ इन्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हाँ तो लेकर चलिए मुझे भी। मिताली, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तुम घर पहुँचो। मैं राज, ऐसे कैसे मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। राज के साथ मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। परेशान बिल्कुल मत होना। मैं जल्दी आऊंगा। राज को ऐसे नहीं लेकर जा सकते। राज, आपने कोई गलती नहीं की। गलती मैंने की, मैंने आप भी कसूर है। गलती मैंने की है। मैं आपसे वो सही। क्या हो गया? इतना घबराई हुई क्यों? राज आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? राज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती थी कि ये सब। राज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ना आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अरे क्या बोले क्या जा रही हो, क्या कर दिया तुमने और मुझे क्या होने वाला? अरे बोलो भी, अब चुप क्यों हो गई? राज वो मैंने आपके वॉलेट में से ना पैसे निकाल लिए थे, दीपावली की शॉपिंग करनी थी, आपसे मांगते तो आप देते नहीं, इसलिए आपसे बिना पूछे ही निकाल लिए। अच्छा वो वाले पैसे? अरे वो अच्छा किया तुमने निकाल लिए, मैं तुम्हें देने वाला था, तुम्हारे लिए थे वो पैसे। वो क्या है ना कि दिवाली का बोनस मिला था ऑफिस से, मुझे तुमको देना था लेकिन मैं भूल गया देना। पर कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का ना, बस वैसे ही पैसे पैसे भी लिखा है खर्च करने वाले का ना। उसकी टेंशन छोड़ो, सो जाओ अभी। चलो सो जाओ सो जाओ। ये सपना था या कोई लाइव टेलीकास्ट? इतनी क्लियर पिक्चर, मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए।
मिताली, और अगर ये सपना कहीं सच हो गया तो तेरी क्या हालत होगी? अब क्या करूं मैं? मां तन्नु को समझने को तैयार नहीं और या दादी को मैं समझा नहीं सकता। Where am I stuck? लगता है अब भी मूड खराब है इनका, पर ये ऐसे चुपचाप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इससे अच्छा तो मुझसे लड़ी लेते। क्या करूं कि इनका मूड ठीक हो जाए? देखिए, अगर कोई किसी सवाल का जवाब ना दे उसका मतलब जवाब हाँ होता है। मतलब आज इस बेड पे मैं अकेले सोऊंगी आराम से। पता है क्या, इस बेड का आराम और आपके मुंह का पूर्ण विराम, आज नींद बड़ी अच्छी आएगी। अब पता है, आप ऐसे चुपचाप ना बहुत अच्छे लगते हैं। आपको दिन में 2-4 घंटे ऐसे ही चुपचाप बैठना चाहिए। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा वेट थोड़ा जरूर बढ़ जाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, क्या करूं? कॉकरोच! मुझे डरा रही हो? था कॉकरोच, अब चला गया। देखो, आज मेरा बात करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं, इसलिए अपने गले से कोई आवाज मत निकल, वरना तुम्हारे चश्मे को तुम्हारे आंखों से निकालकर तुम्हारे गले में अटका दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, दैट्स नॉट फेयर। जब आपका मन करेगा आप बातें करेंगे, जब आपका मन करेगा चुप बैठ जाएंगे। ऑन ऑफ का स्विच मेरी नाक पे, आपकी नाक पे तो, और आपकी नाक पे होगा भी कैसे? नाक पर हमेशा गुस्सा जो बैठा रहता है, और किसी चीज के लिए जगह ही नहीं। मैं कुछ बोल रहा हूँ? नहीं ना, तो तुम भी मत बोलो। और वैसे भी मैं ऐसे ही रहता हूँ जब मुझे कोई। क्या हुआ? कॉकरोच! ये क्या है? गिटार। पता है मुझे गिटार है, क्या करूँ इसका? ऐसा कीजिए, इसका बैट बना के क्रिकेट खेलिए, मजा आएगा। अब गिटार है तो बजाना ही होगा ना। लीजिए, मुझे गाना सुनाइए अपनी पसंद का। क्यों? क्योंकि ना मैंने हमेशा आपको टीवी पे गाते हुए सुना है, रेडियो पे सुना है, लेकिन ऐसे लाइव आमने सामने नहीं सुना है ना, तो आज मेरा मन कर रहा है। चलिए। तुम क्या मुझे कोई सड़क चाप खबाल समझती हो, या ट्रेन में हारमोनियम लेके गाने वाला गवैया जिसे जो बोलो वो गा लेता है? I'm a rock star, understand? लाखों लोग मेरे गाने सुनने के लिए ना हजारों रुपए खर्च करते हैं, और तुम मेरे गाने ऐसे ही। एक्चुअली मैं सुना भी देता, लेकिन जिसे गानों की कदर नहीं है ना, मैं उसे अपना गाना सुनाकर अपने गानों की इंसल्ट नहीं करना चाहता, अंडरस्टैंड? यू गेट दैट? आप अपने गानों की इंसल्ट नहीं कराना चाहते या अपनी? क्या मतलब, आप शायद मेरे सामने गाने से नर्वस हो रहे हो? नर्वस? और मैं? आप इस हालत में गाएंगे तो शायद बेसुरा ही गाएंगे, और फिर आपकी पोल खुल जाएगी, शायद इसीलिए आप नर्वस हो रहे हैं। हे रिलैक्स चश्मेश, मैं अपने लाखों फैंस के सामने गाना गा सकता हूँ, तो तुम जैसी चश्मेश का चीज है? मैं लाखों में एक हूँ, मेरे सामने अच्छे अच्छे नर्वस हो जाते हैं। I have that effect on people. Hey, are you challenging me? You're challenging me. Prove it. You will fall flat on your face. I'm not afraid to die.
आप बोलो, दिखा मैं कहीं नर्वस? नर्वस यू आर नॉट, बट टेंस्ड यू आर नो मोर। आपकी टेंशन भी नहीं दिख रही अब। इसका मतलब तुमने जानबूझकर मुझे ये? हाँ, मेरा काम हो गया। बाय द वे, यू आर ब्रिलियंट। मुझे नींद आ रही, मैं जा रही। गुड नाइट। अभी ने कल शादी के लिए हाँ नहीं कहा, पर आज आज तो उसे जवाब देना ही होगा। ओहो, किससे मिलने आई थी और कौन मिल गया? तेनू मिला कोई अभी जैसा? एक फ्री का मशवरा है, अगर अब तक तुझे कोई नहीं मिला है ना, तो टॉर्च लेके ढूंढना शुरू कर दे, शायद कोई घूमता फिरता मिल जाए तुझे। और अगर बराबर का ना मिले ना, तो मिलता जुलता ढूंढ ले, और अगर मिल जाए ना, तो उसे पकड़ के रख। क्या है कि आजकल अच्छे लड़कों की बहुत कमी है। हाँ, फिर कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शादी की उम्र निकल जाए, ना तू मॉडलिंग कर पाए, ना फिर शादी कर पाएगी। आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं शादी करके आऊंगी तो इसी घर में। ओ भाई, इस घर में कौन ऐसा बचा जिसकी शादी नहीं हुई है? आकाश। आकाश? नहीं 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 नहीं, वो दोनों तो सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करते, शादी क्या करेंगे? तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो? देख रही हो दीदी? रॉबिन, जरा। जी दादी। वो तेरी शादी हो गई क्या? जी नहीं। जा 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 जा। स्वर्णी, वही तो मैं सोचू हूँ कि तनु ने करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखा था। आलिया, आई एम श्योर अभी के मन में ना उस चश्मिश के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई है, वरना और क्या वजह हो सकती है कि उसने मुझे शादी के लिए मना कर दिया? तुम्हारी प्रॉब्लम बताए क्या तनु, तुम हर चीज पे ओवर रिएक्ट करती हो। तुम्हारे प्रपोजल पे भाई का गुस्सा होना उस बहन जी के लिए प्यार की वजह से नहीं, बल्कि दादी की फिक्र की वजह से। यू नो कि भाई कितना प्यार करते हैं दादी को, और उसके बाद भी तुम ऐसे ही बिहेव करती हो ना, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या तनु? हर एक चीज ना मैं ही समझू, इस वक्त मैं एक लूजर की तरह फील कर रही हूँ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया, अभी मेरे हाथ से जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रही वाली, कुछ भी नहीं। तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम, लड़ाई शुरू नहीं हुई कि तुम पहले ही हार मान लेती। एनीवेज, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। ये आर्टिकल पढ़, इसमें ये देख कितना मस्त लिखा है। यू व्हाट आर यू, शायद मैं ही इडियट हूं जो तुमसे एडवाइस लेने आ गई। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए एक आर्टिकल पढ़ रही है, वो मेरी क्या हेल्प करेगी? और देख तनु, तू आलिया बेटा, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया ना कि आज शाम को हमारे यहाँ कार्ड पार्टी है? या दादी, पर मेरी कुछ ही फ्रेंड्स आ पाएंगे, बाकी के लोग आउट ऑफ टाउन। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने आना है उनको ये भी बता देना कि कार्ड पार्टी के बाद हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होगी, उसके बाद ही वापस जाएं। ऑलराइट। तनु, तेरा भी अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो तू भी आ जाना। ठीक है दादी, आप बुला रही तो मैं जरूर आऊं। दादी ने मुझे इनवाइट किया? हाँ, दादी ने इनवाइट किया तुझे। पर वो छो, क्या कह रही थी तू कि मैं ये बकवास आर्टिकल खुद के बॉयफ्रेंड को वापस लाने के लिए पढ़ रही हूँ? वेल नो स्वीटहार्ट, ये मैं अपने लिए नहीं पढ़ रही हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ। जानती हूँ ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे कितना ब्रिलियंट आइडिया है। ये देख, इसके सिक्स कॉलम में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़। लिखा है कि मर्दों को धोखा पसंद है, और अगर अपने सामने वाला कंपेटिटर आपको जीतने ना दे, उसे अपने रास्ते से ही हटा दो। इसलिए अब मैं तेरी मदद करूंगी उस बहन जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। और जानती है कैसे मुमकिन होगा? उस बहन जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें दादी की नजरों में उसे गिराना होगा, समझी? वरना रह जाएगी तो ताकती है। पढ़ने दे मुझे, बहुत काम का आर्टिकल। ये बातें करनी और सुनने से अब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पाना है तो अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब मैंने देर की तो बस।
सब खत्म।